यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी भजन पर फोकस करने जा रहे हैं। कृष्ण जी का यह बहुत ही प्यारा भजन है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत ही अच्छा भजन है, एकदम ये ताल कहरवा में आता है, बहुत ही मीठा भजन है और मीठा इसमें स्टेप हैं सारे। इसके जो भी पैटर्न हैं ढोलक में सारे मीठे ही बजते हैं। इसमें हम बंद बेस का यूज करेंगे। इस पूरे भजन में ढोलक में हमें क्या क्या बजाना है आज मैं डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पे भाई बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस भजन का निचोड़ लास्ट में ही है। और यदि चैनल पे भाई अगर आप पहली बार आए हों तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो, नए हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम आपको दो उठान सिखाएंगे, दो उठान और दो ठेका सिखाएंगे और एक पिकअप सिखाएंगे और एक तिहाई बताएंगे। हालांकि वीडियो तो लंबी है लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे पूरी तो इस भजन पे चाहे जहां इसको बजा देंगे लोग आपकी तारीफ़ ही करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग सीखते जाइए, बहुत ही अच्छा भजन है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम उठान से स्टार्ट करेंगे। इस भजन की जो उठान है, यशोमती मैया से, यशोमती मैया, मैया शब्द का पहला मैं, यहाँ से हमारी सम स्टार्ट होती है। सम मतलब, सम का मतलब जहाँ से हम इसको बजाना स्टार्ट करते हैं वही सम होती है। तो इसी वर्ड से यानी मैया से हम बजाना स्टार्ट करेंगे, उठान बजाएंगे। सबसे पहले तकिट तकिट ता, यशोमती मैया से तकिट तकिट ता। ये उठान हमने कई बार आपको सिखाई है, कई वीडियो में भी इसको हमने बताया है, लेकिन फिर से अगर आप नए हैं तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बजानी आती है तब आगे बढ़िए। चलिए उठान सीखते हैं, तकिट तकिट ता, तकिट तकिट दो बार आया है और लास्ट में ता है, तो तकिट तकिट दो बार आया तो हमको सेम बजाना है तकिट ता। कैसे, एक एक वर्ड सीखेंगे, ता कैसे बजेगा, ता। चाटी में क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे और बेस की साइड में थपाक यानी हाथ को पट करेंगे, दोनों को साथ साथ में ता, ये ता, बिल्कुल बीचों बीच में लगाना है, सेंटर में ता के साथ में ता। उसके बाद में दूसरा बोल है की, हम बेस साइड में बजाएंगे पट की, थपाक का यूज करेंगे की, ता की, ता हो गया ता की और टा, टा हमारा टू फिंगर से बजेगा, टू फिंगर से टा बजेगा, ता की ट। इधर देखिए ता की ट, ता के साथ में हाथ को लगाना है और की अलग बजाना है, टा अलग बजाना है, ता की ट। दो बार है तकिट तकिट, तो दो बार हम बजाएंगे ता की ट, ता की ट, और लास्ट में ता है तो ता, इंडेक्स फिंगर और हाथ को पट करेंगे दोनों को साथ साथ में ता। अब देखिए ता की ट, ता की ट, ता, इसी को फास्ट कर देंगे ता की ट, ता की ट, ता, ता की, ये देखिए ता हो गया, ता पे इंडेक्स फिंगर ता। ये उठान बहुत ही अच्छी उठान है, इसको सभी कलाकार बजाते हैं, हर ढोलक वाले, हर तबले वाले सभी इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी उठान ये है, कहरवा की सबसे मुख्य उठान समझ लीजिए इसको, ये है ता की ट, ता की ट, ता, बस इसी को बजाना है ता की ट,
ता की ट ता। यदि आपको ढोलक बजानी बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जैसे ये इस उठान को आपको सीखना है, तो इसको आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ता की ट ता की ट ता ता की ट ता की ट ता। लास्ट में जो टा है तकिट का जो लास्ट में टा आ रहा है वो टू फिंगर से बजेगा केवल टा तकिट तकिट ता। फिर इसको धीरे धीरे फास्ट करिए तकिट तकिट ता तकिट तकिट ता। चलिए उठान हमारी कंप्लीट हो गई। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। अब हमारा ठेका स्टार्ट होता है। ठेका कहरवा ताल का ये प्रकार है। ये वैसे कहरवा ताल का मुख्य ठेका होता है धागे नाती नगधिन, लेकिन मुख्य ठेका कहीं किसी गजल या भजन गाने में नहीं बसता है, इसके बसते हैं वैरिसन प्रकार। तो ये कहरवा का ही वैरिसन है। तो इसके बोल क्या हैं? धिंधा धिंता तिंता धिंता। बोल जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। बोलों को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए अपने कॉपी डायरी में। पहले उठान हो गई, उठान से स्टार्टिंग करनी है इस भजन की। तक इस भजन को आप सीख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, चाहें जहाँ बजा दीजिए इसको, कोई फेल नहीं करेगा इसको। उठान हो गई तकिट तकिटता, उसके बाद में धिंधा धिंता तिंता धिंता, ये ठेका हमें चलाना है। ठीक है, धिंधा धिंता तिंता धिंता। चलिए फटाफट एक एक बोल सीखते हैं। पहला बोल है धिन। धिन धिन हमारा बजेगा टू फिंगर से, टू फिंगर से स्टार्ट हो रहा है धिन। धिन के साथ में, और मैं बता दूं ये मीठा पैटर्न है, मीठा भजन है, तो इसमें हम बंद बेस का ही यूज करेंगे। ये हो गया हमारा खुला बेस, ये हो गया बंद बेस, तो हम बंद बेस का पूरे पैटर्न में यूज करेंगे। ये बेस कहाँ कहाँ पे बजाना है मैं आपको बता दूं। पहले धिन पे बजाएंगे बेस, धिन ये धिन ता सॉरी धिन धिन धा। धिन बजेगा टू फिंगर बेस के साथ में, धा बजेगा इंडेक्स फिंगर बेस के साथ में, फिर धिन बजेगा टू फिंगर बेस के साथ में, फिर है ता। ता पे क्या करना है, इंडेक्स फिंगर ता से बजेगा और हाथ को पट कर देना है ता के साथ में। ता देखो फिर से धिन धा धिन ता, चार बोल हो गए धिन पे। एक एक बोल बजाना सीख लीजिए, उसके बाद में सारे बोलों को इकट्ठा मिला के हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला बोल है धिन, धिन धा धिन ता, फिर तिन ता और धिन ता। पूरे पैटर्न में बेस बज रहा है चार बार और हाथ को पट करना है एक बार, बाकी सारे बोल खाली है। फिर से देखिए धिन धा धिन ता तिन ता धिन ता। अब बेस की साइड में देखिए धिन धा धिन ता तिन ता धिन ता। इधर देखिए धिन टू फिंगर बेस, धिन फिर इंडेक्स फिंगर बेस, धा फिर टू फिंगर बेस, धिन फिर इंडेक्स फिंगर और थपाक ता। चार बोल हो गए धिन धा धिन ता। बेस हमें वैसे ही बजाना है, फिंगर्स को इधर चेंज करना है, पहले टू फिंगर फिर इंडेक्स फिंगर फिर टू फिंगर फिर इंडेक्स फिंगर, ऐसे ही बजाना है। धिन धा धिन ता, ता के साथ हाथ पट करना है, फिर तीन खाली बजेगा ता खाली बजेगा, फिर धिन पे बेस बजाना है और ता खाली लास्ट में है। अब देखिए शुरू, धिन धा धिन ता तिन ता धिन ता, धिन धा धिन ता तिन ता धिन ता, धिन धा धिन ता तिन ता धिन ता, धिन धा धिन ता।
ठेका भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक उठान और ठेका दोनों कंप्लीट हो गए। आइए भजन के साथ इतना पहले देखते हैं। यशो पहले धीरे धीरे मैं गाऊंगा और बजाऊंगा भी। यशो मती मैया से बोले अब क्या करना है, मुखड़े मुखड़े में जो भजन का मुखड़ा है इतना ही बजाना है, उठान और ये ठेका बस। अब बढ़ते हैं अंतरे की ओर। एक अंतरा बजाना सीख लीजिए, जो भी दो तीन अंतरे हैं सब में सेम बजा दीजिए। अब अंतरे पे हमारा चेंज हो जाएगा, उठान भी बदल जाएगी और ठेका भी बदल जाएगा। ठीक है, मुखड़े में क्या था, उठान दूसरी थी ठेका दूसरा था, अंतरे में ठेका भी दूसरा है उठान भी दूसरी है। कैसे सीखते हैं। बोली मुस्काते मैया ललन को बताया, बोली मुस्काते मैया ललन को बताया, उठान भी है दूसरी और ठेका भी। बोली मुस्काते मैया, अब ये उठान बजेगी यहां से, बोली मुस्काते मैया। उठान के बोल क्या है, तेट तिट, तेटे कह लीजिए या तिट कह लीजिए, एक ही बात है, तेटे और तिट में कोई अंतर नहीं है बजाने में। बोल बोलने में और बोल में तो अंतर है, तिट और तेटे उसमें पाई मात्रा अलग इसमें अलग, लेकिन बजाने में कोई अंतर नहीं है। तिट ता तिरकिट ता तिरकिट, तिट कैसे बजेगा, तीट। देखो एक एक बोल की निकास विधि सीखिए, इकट्ठा नहीं सीख पाएंगे। पहला है तिट, तो तीट बंद बजाना है म्यूट, किनार से आगे बजाना है तिट, तीट तीट। उसके बाद में ता तीर कीट, तिरकिट तो बजाना आपको आता होगा, हमारे इतने ढेर सारे वीडियो पड़े हैं लगभग, तिरकिट हमने कई बार कई वीडियो में बजाना सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ। एक एक बोल देखेंगे, तिट देखेंगे, नॉर्मल तिट हमें सिंगल बजाना है, बेस का यूज नहीं करना तिट पे है, ती और ट, तिट तिट। उसके बाद में ता, ता इंडेक्स फिंगर से सिंगल बजेगा, फिर तिट ता ती र की बजेगा बेस के साइड में, पट सेंटर में की, तीट ता तीर किट तीर किट, फिर ता तीर किट, तीट ता तीर किट ता तीर किट, तीट ता तीर किट ता तीर किट, यही बजाना है, तीट ता तीर किट ता तीर किट, बेस की तरफ कुछ ज्यादा नहीं बज रहा है, तिट ता तीर किट ता तीर किट, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, तिट ता तीर किट, ठीक है। अब इसी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए आप, अगर उठान बजानी आती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बजानी आती है तो आप स्लो स्लो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, तेटे ता तिरकिट ता तिरकिट, 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 तेटे ता तिरकिट, तेटे ता तिरकिट ता तिरकिट, तेटे ता, तेटे ता तिरकिट ता तिरकिट, तेटे ता, चलिए अब इसी को फास्ट करते हैं। बोली मुस्काके मैया ललन को बताया, बोली मुस्काके मैया। अब दूसरा नया ठेका सीखते हैं, कहरवा ताल का ये भी प्रकार है, तेटे तात्रिकिट तात्रिकिट धाती धाना ताती धाना धाती धाना ताती धाना धाती धाना ताती धाना, आठ बोल हैं। पहला बोल धा कैसे बजेगा, धा इंडेक्स फिंगर और बेस, धा ती, ती हमें म्यूट बजाना है,
किनार से आगे, धाती, ती का साउंड भी ती जैसा है, ती, धाती धा। देखिए ढोलक में यही तो देखना है कौन से बोल हमारे म्यूट होते हैं कौन से ओपन होते हैं। जैसे धा है, ना है, ता है, ये सारे हमारे ओपन बोल हैं, मतलब खुला बोल बजते हैं एकदम किनार पे, धा धा ना ता, तीन बोल खुला बजते हैं, धा ना ता। म्यूट बोल कौन कौन से हैं, जैसे तिन है, ती है, धिन है, धी है, ये सब म्यूट बोल हैं। ठीक है, तो ती हमारा म्यूट बोल है, धा खुला बोल है, तो धा ती फिर धा ना। ना पे क्या करना है, हाथ को पट करना है, देखिए धा हो गया, ती फिर धा फिर ना। बेस के साइड में देखिए, धा ती धा ना, चाटिप देखिए, धा ये धा, धा बजाएंगे इंडेक्स फिंगर बेस के साथ में, धा धा ती धा ना, ना भी बजेगा इंडेक्स फिंगर से और धा भी बजेगा, धा के साथ बेस बजेगा, ना के साथ पट लगेगा, धा ती धा ना। चार बोल हो गए, आगे की चार बोल क्या है, ताती धाना, तो ताती को एकदम सिंगल बजा देंगे हम, ता ती फिर धा और ना। लास्ट वाले ना पर हाथ को पट नहीं करना है, जो स्टार्टिंग में ना है धाती धा ना, इस पे हाथ को ना पे पट करना है, और ताती धाना लास्ट वाले ना पे हाथ को पट नहीं करना है, केवल इंडेक्स फिंगर से ना बजा देना है। फिर से एक बार देखिए, धाती धा ना, ताती धा ना, धाती धाना, ताती धाना। ठीक है, आप देखिए, धाती धाना, ताती धाना, धाती धाना, ताती धाना, धाती धाना, ताती धाना। अब ठीक है, उठान भी हमारी कंप्लीट हो गई, अब ठेका भी अंतरे में बजाने के लिए, चलिए अब अंतरे के साथ देखते हैं। बोली मुस्काते मैया ललन को बताया, बोली मुस्काते मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तो आया, लाड़ला कन्हैया मेरा हो। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज लगती है, लाड़ला कन्हैया मेरा हो, यहाँ पे थोड़ा सा हमें नया सीखना है, क्या बज रहा है इसका बोल है, तिट ताता तिट ताता तिट धा 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 धा। यहाँ पे ये समझ लीजिए पिकअप लगता है, ये बहुत अच्छा पिकअप है, और लाड़ला कन्हैया मेरा हो, लाड़ला कन्हैया मेरा काले कमली वाला इसीलिए काला। ठीक है, नया नया है, नया सीखते हैं। तिट ताता दो बार बजाना है, तिट ताता, तिट कैसे बजना है वो तो अभी आपको सिखाया था उठान में, तिट ता तिरकिट ता तिरकिट, अब वही तिट है ये, तो तिट वही तिट बजाएंगे, तिट ताता, बस कुछ नहीं है, तिट ताता, बस ताता के साथ में हाथ को पट लगाना है, ताता तिट ताता तिट ताता। ठीक है, तिट ता ता तिट ताता, इतना सीखिए, तिट ताता तिट ताता। उसके बाद में है तिट, फिर है तिट धा 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 धा, तिट धा 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 धाती धाना तक, वही ठेका लगेगा। देखिए, लाड़ला कन्हैया मेरा हो, रुकना नहीं है,
तिट धा 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 धती धाना धती धाना धती धाना। वही से तुरंत छः का भी पकड़ लेना है, तिट धा 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 धा। कितने धा धा बज रहे हैं? तिट धा 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 धा, आठ धा बज रहे हैं, आठ। तिट धा धा धा, तिट धा 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 धा। जब फास्ट बजता है तो पता नहीं चलता कितने धा लग रहे हैं। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, ठीक है। तिट ता ता तिट ता ता तिट धा 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 ती धाना ता ती धाना। काली कमली वाला इसीलिए काला, तो फिर वही उठान बजाएंगे, मुखड़े वाली उठान, तकिटे तकिटे ता। काली कमली वाला इसीलिए काला। अब गाने की पूरा भजन आपने बजा लिया, तो गाने की एंडिंग कैसे करेंगे वो आप सीख लीजिए, बस वीडियो को खत्म करते हैं। तक धान धान धा, बस छोटी सी तिहाई बता दूंगा, मजा आ जाएगा बजाने में, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे भजन हमारा एंड होने को है तो हम कैसे एंड करेंगे? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इसका बोल है तक धान धान धा, तक धान धान धा। तक कैसे बजाना है? केवल चाटी के साइड में, बीचों बीच में सभी उंगलियों को एक साथ में, तक तक पूरा हो गया, तक तक। फिर उसके बाद में धा धा, वैसे ही बजाएंगे, अभी धा बजाना बताया है। धा न धा न धा, बस तक धान धान धा। देखिए धा न ना बजेगा टू फिंगर से, ना धान धान धा, धान धान धा धा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग रियाज करें, प्रैक्टिस करें, जैसा भी हो, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बात है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, जो भी हो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।